अगर आप डेफिनेशन पढ़ें वेव फ्रंट है क्या चीज, तो क्या लिखा हुआ है, अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। देखो इसको ऐसे समझते नहीं है, डेफिनेशन बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, सिंपल तरीके से समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, जैसे यूनिवर्स के अंदर आप सन को देखो, सन बहुत बड़ा है लेकिन पूरे यूनिवर्स में सन तो एक छोटा सा पॉइंट है। सन से लाइट निकल रही है, कैसे निकल रही है, हर तरफ निकलती है, जो पॉइंट सोर्स होते हैं लाइट को हर तरफ इमिट करते हैं और इक्वली इमिट करते हैं। तो इमेजिन करें जब वो लाइट पास करेगी, और मान लो कोई मीडियम है, मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, तो जब लाइट का मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ तो इमेजिन करो एक मिनट के लिए ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो ये कुछ मीडियम के पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल वैसे इमेजिन करना है जैसे पानी के अंदर रिपल्स ट्रैवल करते हैं, ऐसे लाइट भी ट्रैवल करती है। तो अगर ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ और ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुंची एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो जितने पार्टिकल आर दूरी पे होंगे, जितने भी पार्टिकल आर दूरी पे होंगे वो उस टाइम बाहर ही जा रहे होंगे। मान लो वो ऑसिलेट कर रहे हैं, इमेजिन करो ऑसिलेट मतलब आगे पीछे हो रहे हैं, इमेजिन करो। तो अगर ये आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा होगा, और जब ये पीछे आ रहा है तो ये भी पीछे आ रहा होगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सेम फेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ और होता है बताऊंगा। बट अगर आप उस पॉइंट सोर्स से आर दूरी पे उन सभी पॉइंट्स को मिलाएं जो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट सोर्स से, और जो सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं, जो आर डिस्टेंस पे फर्स्ट पार्टिकल के साथ हुआ वो आर डिस्टेंस पे सेकंड के साथ भी हुआ, आर डिस्टेंस पे थर्ड के साथ हुआ, फोर्थ के साथ, तो जो पहले के साथ हो रहा है सबके साथ वही हो रहा है, लेकिन प्रोवाइडेड डिस्टेंस उस सोर्स से क्या है एग्जैक्टली सेम। तो अगर आप उन सभी पॉइंट्स को जोड़ दें, मेडिकल वाले लोग समझ लें, नॉन मेडिकल वाले को लोकस पता है क्या होता है, तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दें तो एक पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस दूर सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो क्या दिखेगा आपको, एक स्फीयर दिखेगा। तो लाइट पॉइंट सोर्स से जब निकलेगी तो पहले यहां तक आएगी, फिर यहां तक आएगी, फिर बड़ी और बड़ी, और स्लो मोशन में देखो ना स्फीयर बड़ा होता जा रहा है। तो इन शॉर्ट एक आसान लैंग्वेज में अगर समझाऊं, लाइट की शेप क्या है, लाइट की शेप क्या, अगर पॉइंट सोर्स है तो लाइट इमेजिन करें स्लो मोशन में लाइट निकल रही है तो क्या है, स्फीयर, हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट है। वो वेव फ्रंट का मतलब क्या है, वो सारे पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा है जहां तक लाइट पहुंची है अभी तक, तो सारे पॉइंट्स को जब जोड़ेंगे स्फीयर की फॉर्म में तो कौन सा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट क्या चीज है, डिफाइंड एज कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। और मैंने क्या बताया, अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस दूर अगर आप सारे पार्टिकल को जोड़ दें और लाइट को देखें कि कैसे प्रोपोगेट कर रही है, तो आपको शेप स्फीयर नजर आएगी, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और उसी तरीके से अगर आपके पास एक लीनियर स्लिट है, ये देखो एक सिंपल एक ट्यूब है पतली सी, लाइट आसपास तो जा रही है, अंदर बाहर भी आ रही है, लेकिन यहां नहीं आ रही, साइड से लाइट निकल रही, सिर्फ ये एक लाइन है यहां से निकल रही है। तो आर डिस्टेंस पे अगर आप सभी पॉइंट्स के लोकस को मिलाएं तो शेप क्या नजर आएगी आपको, एक सिलेंडर, जैसे गॉस थ्योरम में भी करते थे, गॉसियन सरफेस मिलाते हैं इसके आसपास तो क्या बनता है, एक सिलेंडर। तो अगर एक स्लिट पतली सी ट्यूब लें जो लाइट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस में प्रोपोगेट कर रही है, तो आपको शेप लाइट की क्या नजर आएगी, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर बड़ा होता जाएगा, राइट। तो कौन सा वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। लेकिन इमेजिन करें आप, सपोज करो सन का एग्जांपल ले लेते हैं, सन, ये रहा सन, ठीक। तो सन से जब लाइट निकल रही है, इमेजिन करो उसकी शेप क्या है, स्फीयर, सन इज अ पॉइंट सोर्स, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं और आप बहुत बहुत दूर खड़े हैं सन से, तो आप, मैं और आप, सन के सामने कुछ भी नहीं है, अर्थ ही कुछ नहीं है, हम तो चीज ही के हैं, तो हमें सन की लाइट का बहुत ही छोटा हिस्सा मिल रहा है, अर्थ को ही छोटा हिस्सा मिल रहा है, सन तो हर जगह लाइट फेंक रहा है, अर्थ को छोटा हिस्सा मिल रहा है, और अर्थ के हम इस रूम में बैठे हैं, हमें तो बहुत ही छोटा मिल रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, जब ये वेव फ्रंट यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, तो इमेजिन करो डायग्राम कैसा बनेगा, ये और बड़ा होता जाएगा, फिर ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, आपको बस ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है जैसे एक एक लाइट का पूरे बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा।
जो कि आपको प्लेन नजर आएगा, आपको नहीं पता उसकी शेप क्या होने वाली है, तो आपको क्या नजर आएगा, प्लेन वेव फ्रंट, राइट। जैसे इमेजिन करो सामने दीवार है, फ्लैट है, इमेजिन करो दीवार नहीं है, ये लाइट है, लाइट चल नहीं रही, मान लो एक स्नैपशॉट है, लाइट रुकी हुई है यहाँ पे, ये फोटो है लाइट की। अब इमेजिन करो ये ऊपर दीवार बहुत किलोमीटर ऊपर जाके स्फेयर बन रही है या सिलेंडर बन रही है, मुझे क्या पता, मेरे को तो पार्ट ही दिख रहा है, तो मेरे लिए तो एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इज एक प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कब लिया जाता है, जब पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर से लाइट आ रही है तो उसकी शेप बहुत बड़ी बनने वाली है, और हम उसका एक छोटा सा क्या देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं, तो हमें एक प्लेन वेव फ्रंट नजर आएगा। हम इस चैप्टर में ना स्फेरिकल वेव फ्रंट से काम करते हैं, ना सिलेंडर के साथ करते हैं, हम किसके साथ करते हैं, प्लेन लेके काम करते हैं, हमें लाइट नेचुरल लाइट का एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है, हम वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट लेके काम करेंगे, ठीक है यहां तक। तो ये चैप्टर स्टार्ट है विद हाइगंस प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें।